empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from So, hi guys, हम घर से निकल चुके हैं. कहाँ निकल के, कहाँ के लिए निकल चुके हैं? आज हम जाने वाले हैं हिमांशु के प्री वेडिंग शूट पे. यस, अभी हम जा रहे हैं लोकेशन पे. अभी तो मैं गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ, कोई फार्म हाउस है. थोड़ा आगे जाके जब रुकेंगे तब पता चलेगा कि लोकेशन, फाइनल लोकेशन क्या डालती है. ये रहा हिमांशु. गाड़ी में सारा सामान पैक करके हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट पे, जो कि गुड़गांव है. फार्म हाउस पहुंचने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और देखना चाहते हैं लोकेशन कैसी है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले से हमने बुक कर रखा है और इंस्टाग्राम पे देखा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था. और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और काफ़ी बड़ा लॉन है चिल करने के लिए, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं. और अब वहाँ पहुँच के हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जगह कैसी है. ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं अपने मीटिंग पॉइंट पे अपने एक फ्रेंड से मिलने, जो कि कोविड के कारण हमारे साथ आज नहीं जा रही है. डीजे पिज्जा की मालकिन, कभी भी गुड़गांव आए तो डीजे पिज्जा जरूर जाएं. यही वो लड़की है जो नहीं चल रही है हमारे साथ. बीबी की पहन के, बीबी की पहन के. ये सुनैना आती हुई, मैं कहीं नहीं गई हूँ दूर. अरे चलो अभी तो टच कर लो. नहीं नहीं, आप क्यों रही हो? अरे घर जाके नहा लेगी ये. तो ये दो दोस्त मिल रहे हैं 6 महीने बाद. अरे मिलो मिलो, हक करो. बताओ प्री वेडिंग पे जाके कैसी टी शर्ट पहनी है? मिलो से. ये सेकंड वाला वर्ड ही खुद ही है, इसलिए मैं ऐसे पहन के आई. और हमारी टीम पहुंच चुकी है जो करेगी प्री वेडिंग शूट. गेट इन फ्रेम, मैं इनकी वेबसाइट का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनका काम चेकआउट कर सकते हैं. कुछ कहना चाहेंगे? सुनैना हमारे साथ क्यों नहीं जा रही है आज? कुछ नहीं, दिमाग खराब है, लड़की का पागल हो चुकी है वो. ये सैनिटाइज नहीं रहती शायद, है ना? नहाती भी नहीं है. नहाती नहीं है शायद, हम लोग सैनिटाइज रहते हैं. और काफी देर सुनैना के घर रुकने के बाद, जिसका कारण था ये, सुनैना की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री डीजे पिज्जा एंड पास्ता. अब इसको रखें कहाँ हम? क्या क्या मंगवाया सुनैना तुमने अपने रेस्टोरेंट से? यस, चिकन बॉम्बर पिज्जा, 1 हवाईन बारबेक्यू पिज्जा, 1 डेविल हॉट्स पिज्जा. व्हाट इज डेविल हॉट्स? डेविल हॉट्स में टॉपिंग क्या? दही वाला, दही वाला. लगता है मेन्यू रट के आई हो तुम. चलो स्पेशल पिज्जा पेरिन द्वारा पास्ता एंड क्रीमी टोमेटो पास्ता. ओह माय गॉड, लॉट्स ऑफ स्टफ. या ब्रो, चलो अब हम जाएंगे और अपनी जो भी फार्म हाउस है लोकेशन जो भी जा करके वहां पे खा के बताएंगे कैसा पिज्जा है. गाड़ी को करते हैं पैक, चलो बैठो. तो हम लोग निकल चुके हैं अब अपनी फाइनल लोकेशन, जो कि है बवेजा फार्म्स गुड़गांव में. धूप आज काफी तेज है, बट बाय गॉड ग्रेस ट्रैफिक नहीं मिला हमें. अभी हमने टोल, गुड़गांव का टोल क्रॉस किया है. एग्जैक्टली इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस फार्म हाउस का जहाँ हम जा रहे हैं. बाकी आगे देखते हैं भाई कैसी जगह है. Oh, oh, oh.
काफी सारे कपड़ों के साथ हम छोटा मोटा राशन भी भर के लाए हैं। फाइनली पहुंच गए हैं बवेजा फार्म्स भाई के प्री वेडिंग शूट के लिए। अब भाई का होगा प्री वेडिंग शूट और हम लोग करेंगे फुल मस्ती। कैसी लग रही जगह? Amazing. Are you tired? Yes, little bit. चलो अब अंदर चलते हैं, सामान थोड़ी देर में निकालेंगे। तो अंदर जाके चिल करने से पहले मैंने सोचा यहाँ के कुछ स्लो फ्रेम्स पे शॉट्स ले लूँ। और अभी हम हैं इंडोर में जो कि कॉरिडोर साइड है इसकी, और चारों तरफ रूम्स हैं। यहाँ पे ऊपर है टेरेस और ये बना हुआ है गार्डन इनसाइड में। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शूट कैसा हो सकता है। तो सामने है स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल के पीछे है आपका सिटिंग एरिया जहाँ आई थिंक काफ़ी अच्छी पार्टी हो सकती है। अगर आप अपनी बैचलर पार्टी प्लान कर रहे हैं या फैमिली गैदरिंग के साथ अगर आप पार्टी प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। और पूल भी काफ़ी क्लीन दिख रहा है, वेल मेंटेन्ड है। राइट हैंड साइड पे काफ़ी बड़ा लॉन है, आई थिंक आपने पीछे वाले क्लिप में देखा होगा कि जगह काफ़ी बड़ी है ये और शूट के लिए काफ़ी सीनिक है। और आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉट्स निकल आएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे अपना काम। और यहाँ पहुँचने के लिए हमें लगा लगभग 1 घंटा 45 मिनट। हमारा स्टॉपेज थोड़ा ज़्यादा था बट ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है ये रोहिणी से अगर आप कंपेयर करें तो। जगह अच्छी है, थोड़ी सेक्लूडेड जगह पे है ये और आसपास आई थिंक और भी फार्म हाउसेज हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा विलेज एरिया है जो गुड़गांव से आगे जाके पड़ता है। और लग रहा है कि रात में अच्छी पार्टी हो जाएगी यहाँ पे जब इनका शूट ख़त्म हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ के रूम्स और कैसे हमने क्या क्या मस्ती करी पूरे दिन वो दिखाऊंगा आपको। और उसमें थोड़े शूट के ग्लिम्स और लोकेशन हमने क्या यहाँ पे प्लान किया इन दो लोगों के लिए ताकि इनका शूट अच्छा हो सके, और कैसे हमने पार्टी करी शाम को, वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। तो आज का ब्लॉग था अबाउट दिस प्लेस और यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, आप लोकेशन क्या है और हमने हमारी जर्नी कैसी दी। और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बाकी की सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइज इसे लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए और फॉर मोर कंटेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।